दोस्तों आज हमारे पास अशोक लेलैंड का हेवी ड्यूटी ट्रक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसको जब प्रेशर मेंटेन हो जा रहा है, जब 6 के ऊपर प्रेशर जा रहा है हैंड ब्रेक रिलीज़ करते ही, इसका जब प्रेशर मेंटेन हो जा रहा है तब भी ये फ्रंट का ब्रेक पकड़ के रख रहा है, फ्रंट व्हील का ब्रेक, दोनों ब्रेक जाम है, इधर का भी और इधर का भी। इधर से हम देख सकते हैं दोनों ब्रेक जाम है, ये ब्रेक भी और ये ब्रेक भी। अभी चेक करने पर ये फॉल्ट यहाँ पर मिला है दोस्तों, ये जो आपका ब्रेक रिले वाल्व है जहाँ से प्रेशर, ये ड्यूल ब्रेक वाल्व से प्रेशर यहाँ पे आता है जब हम ब्रेक को ब्रेक पेडल के अप्लाई करते हैं, और एयर टैंक का जो 40 लीटर का एयर टैंक है उसमें से प्रेशर यहाँ तक मेंटेन होकर रखता है। ये जो पाइप है आपका, ये पाइप टैंक के थ्रू यहाँ पे आके रुका रहता है, और जैसे हम ब्रेक जब ब्रेक पेडल मारते हैं तब ड्यूल ब्रेक वाल्व से तब एयर प्रेशर यहाँ पे आके अप्लाई होता है और ये पिस्टन को दबा देता है, और ये दबते ही जहाँ जो प्रेशर यहाँ पे मेंटेन हो रखा था ये प्रेशर यहाँ से अंदर घुस के, ये दो पाइप से, ये दो यूनियन है इसमें, ये देख सकते हैं ये दो यूनियन है, दो यूनियन से एक रा एक रा, ये राइट वाला राइट साइड को और लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड के, ये दोनों ब्रेक एक्चुएटर में जाके जो आपका ब्रेक पैड है जो आपका वो फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है और ड्रम को पकड़ लेता है, ब्रेक लग जाता है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये कंटिन्यू प्रेशर यहाँ से आउट हो रहा है, ये कंटिन्यू दो यूनियन से कंटिन्यू प्रेशर आउट हो रहा है, प्रेशर बनते कंटिन्यू आउट हो रहा है और ब्रेक पकड़ के रख रहा है पूरा। तो अभी हम इसको खोलेंगे। दोस्तों देख सकते हो आप जैसे कि ये हाल है इसका, तो अभी ये आगे वाला टायर जाम नहीं होगा तो क्या होगा, ये पूरा इसमें पूरा पानी और इसमें पूरा रस्ट पूरा मिक्स होके पूरा इसको जाम कर रखा है पूरा। तो अभी इसको हम साफ़ करेंगे, बंद कर दो। तो दोस्तों इसको हमने पूरा बढ़िया तरीके से साफ़ कर लिया, इसका जो रस्ट पकड़ा हुआ था पूरा रस्ट छूट गया इसका भी। अभी इसको फिट करेंगे और पूरे रबर पार्ट्स को, जितने रबर पार्ट्स हैं सभी में थोड़ा थोड़ा ग्रीस लाएंगे और इसको फिट करेंगे। तो दोस्तों अभी ये फिट हो गया है, पूरा ग्रीस लगा के इसको हमने फिट कर दिया है। अभी इसको हम गाड़ी में लगाएंगे और चेक करेंगे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। तो दोस्तों अभी हमने इसको साफ सुफ करके एकदम बढ़िया से इसको माउंटिंग, दोनों माउंटिंग लगा के
पूरे पाइप को हमने जोड़ दिया है। जो 40 लीटर का जो एयर टैंक से प्रेशर मेंटेन आया हुआ पाइप रहता है उसको हमने जोड़ दिया इधर। और ये दोनों साइड के राइट और लेफ्ट के दोनों हमने ब्रेक एक्चुएटर के ब्रेक पाइप जो आउट होकर जाता है इसको जोड़ दिया। और ऊपर ड्यूल ब्रेक वाल्व से जो प्रेशर आता है जब हम ब्रेक पैड लगाते हैं उसको भी जोड़ दिया। ठीक है, अभी हम इसको चेक करके देखेंगे। दोस्तों अभी हम इसको चेक करेंगे ब्रेक मार के। तो अभी ब्रेक मारेंगे तब इसको प्रेशर आउट होना चाहिए और जब वैसे ब्रेक पैडल छोड़ देंगे प्रेशर कट ऑफ हो जाना चाहिए। तो ये सिस्टम सही है। सर ब्रेक मारो, ब्रेक हाँ। तो देखिए ब्रेक जैसे हमने पैडल से पैर हटा दिया ये प्रेशर अपने आप कट ऑफ हो गया। तो अब ये सिस्टम असेंबली सही हो गया। तो दोस्तों यही था इसका रिपेयरिंग प्रोसीजर। अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। थैंक यू।